सोलन के कथैर से एक 20 वर्षीय युवक 8 मार्च से लापता है, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज है, लेकिन अभी तक रहस्यमय ढंग से लापता युवक का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है, जिसके चलते लापता युवक के परिजन एक एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजार रहे हैं। गम में डूबे हुए परिजनों ने रोते बिलखते हुए कहा कि उनका इकलौता बेटा फाइनेंस कंपनी में काम करता था, रोज 6 बजे वापिस आ जाता था, लेकिन वे 8 मार्च को घर नहीं आया, तभी से अभी तक उसका सुराग नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि वे पेशे से कारपेंटर का काम करता है, लेकिन जब से उनका बेटा लापता है तब से वे केवल अपने बेटे को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते उनके घर का खर्च भी चलना मुश्किल हो गया है। वहीं उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया कि उनके बेटे को लापता हुए करीब 73 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, और जब वे थाने जाते हैं तो जांच अधिकारी उनसे मिलने की जहमत तक नहीं उठाते हैं और ना ही उनका फोन उठाते हैं। यही कारण है वे पुलिस की जांच से असंतुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने इसकी शिकायत राज्यपाल और मुख्यमंत्री से की है, ताकि पुलिस अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे, ताकि उनकी आंखों का तारा उनका बेटा वापस मिल सके। मेरा बेटा 8 मार्च से लापता है, वो रोज की तरह ड्यूटी गया था, ड्यूटी से शाम को 6-7 बजे तक करीब आ जाता था, उस दिन वो आया नहीं। हमने सारे उच्च अधिकारियों से भी बात की है और हमको कुछ नहीं बोला जा रहा है, कुछ नहीं बताया जा रहा है। हम अब इतने ज्यादा परेशान हैं कि अभी अगर किसी भाई बंधु को मेरा बच्चा नहीं दिखता है तो आप हमारे से संपर्क करिए, अपने थाने में के जो आपको नजदीक ये चीज अपील कर लोगों से ना, तुम्हें लोगों से अगर किसी को भी मेरा बच्चा दिखाई देता है, कहीं भी दिखता है, कुछ भी होता है, तो मेरे बच्चे को ढूंढ के लाया जाए और हमारे को बताया जाए। मेरा 20 वर्षीय बेटा, उसका नाम संदीप है, जो घर से 8 मार्च से लापता है, और 9 तारीख को मैंने पुलिस में सदर थाना में कम्प्लेंट कराई थी, जिसका आज तक मुझे कोई पता नहीं चल पा रहा है, ना ही कोई अधिकारी मुझे बता रहे हैं। जो केस के आई हुए मैंने उसे बार बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फोन तक नहीं उठाते, ना ही मेरे से मिलना पसंद कर रहे हैं। मैं बहुत थक हार चुका हूँ, जगह जगह भटक चुका हूँ, ठोकरे खा चुका हूँ, लोगों से कर्जा उठा के भाग रहा हूँ, अपना काम धंधा कुछ नहीं करवा रहा हूँ, दिहाड़ीदार भाग रहा हूँ, घर का परिवार का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो चुका है। मजबूर होकर राज्यपाल साहब को एक लिखित खत भेजा और अपने मुख्यमंत्री जी को भेजा, ताकि मेरे साथ इंसाफ हो, मेरे बच्चे के बारे में मेरे को कोई खबर देगा तो जो भी मेरे से बन पाएगा, हूँ तो बहुत गरीब सा इंसान, जो भी मेरे से उचित बन पाएगा मैं अपनी तरफ से कोई नाम जरूर दूंगा, ताकि मेरा बच्चा हमारे से मिल सके।